हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब ट्रेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड वैकेंसी और जानेंगे कहाँ कहाँ पे जो इसकी वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो प्रेस जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये नोटिफिकेशन आया, ये आया गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जो कि सिचुएटेड है पंजाब में। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो आपको बस टाइप करना है online.gndu.ac.in। जैसे ही आप online.gndu.ac.in पर लॉग इन करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा और आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आप देखिए, ये जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ये A++ ग्रेड एक्रेडिटेड है। तो ये कि टॉप यूनिवर्सिटी है पंजाब की। तो यहाँ पे अगर आप जो है एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो आपको करना क्या, आपको बस स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके जो है अपना एडवर्टाइजमेंट देखना है। तो देखिए, यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट है वो ऑलरेडी जो है आने वाला है। तो नहीं तो आप जो एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इसका एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसका एडवर्टाइजमेंट जो है वो कहाँ पे है। तो एक्चुअली वो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है, तो वो सबसे टॉप पे ही आएगा। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो है इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 05-0/2021, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द वेजेस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 9 जुलाई 2021 पे, और जो लास्ट डेट है वो 30 जुलाई 2021 है। इसका लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म इज 6 अगस्त, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो है मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ की डेट्स दे रखी हैं, जैसे कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होगा 9 जुलाई 2021 को, और जो लास्ट डेट है वो 30 जुलाई 2021 है, और जो हार्ड कॉपी सबमिट करने की लास्ट डेट 6 अगस्त 2021 है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, तो यहाँ पे जैसे कि एप्लीकेशन फीस दे रखी है, मैं पहले ही मेंशन कर रखी है कि फॉर पोस्ट नंबर CA नंबर 1 to 5 के लिए 1180 है इंक्लूडिंग GST, और अगर जनरल OBC के लिए, वहीं अगर आप ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते तो ₹590, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने देखिए और दे रखा है कि अगर आप CA नंबर 6 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 944 देनी पड़ेगी जनरल OBC कैटेगरी के लिए, वहीं अगर आप ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको ₹472 जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो फी पेमेंट है वो सब मैंने आपको बता दिया है। आप देखिए, यहाँ पे जो इवेल्युएशन होगा वो आपका होगा API इंडेक्स के बेस पे। तो देखिए, फॉर द पोस्ट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर कैंडिडेट मस्ट सेंड द डाउनग्रेडेड एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो देखिए, यहाँ पे प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए API बेस्ड जो है आपका यहाँ पे जो है इवेल्युएशन API बेस्ड होगा, यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बेस पे जो है यहाँ पे आपका जो है इवेल्युएशन किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया ओपनिंग डेट 9 जुलाई है, लास्ट डेट 30 जुलाई है, और जो लास्ट डेट हार्ड कॉपी रिसीव करने की वो 6 अगस्त है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट मेंशन कर रखे हैं, साथ ही साथ जो पोस्ट है वो भी मेंशन कर रखी है। तो देखिए, प्रोफेसर की पोस्ट जो है उसके है उसमें जो नंबर और पोस्ट है वो 1 है, ऐसे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 है। तो यहाँ पे देखिए किस किस लाइक डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट हैं। तो अगर आप आपके एसोसिएट प्रोफेसर की, तो हिस्ट्री में सिर्फ 1 पोस्ट है, एग्रीकल्चर या प्लांट ब्रीडिंग में 1 पोस्ट है। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो देखिए इसमें जो अदर डिपार्टमेंट जैसे होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, फिजियोथेरेपी, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे इन्होंने क्या है कैटेगरी वाइज भी पोस्ट को निकाल रखा है। जैसे कि अगर बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे SC की 1 पोस्ट है, ठीक है। ऐसे ही जो है आपको स्पोर्ट्स एंड बायो मैकेनिक्स में, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, तो इस तरह से आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपको पता चलेगा कि कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, ये जो पोस्ट है सबसे पहले आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, यानी 2 ईयर्स तक आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाएगा। उसके बाद जो है ये पोस्ट जो है परमानेंट कर दी जाएगी, ठीक है, जो कि नॉर्मली हर जगह होता है कि प्रोबेशन पीरियड जिसे हम बोलते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे जो आपका रिटायरमेंट रहेगा वो अप टू एज ऑफ 65 ईयर्स रहेगा, ठीक है। यानी कि आप जो है 65 ईयर्स तक जो है अपनी ड्यूटी जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं वो या एक डिपार्टमेंट है उनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन। नॉर्मली प्रोफेसर के लिए आपका PhD डिग्री होना जरूरी होता है, और साथ ही साथ आपका 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके जो रिसर्च पेपर भी पब्लिश होने चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली प्रोफेसर के लिए होता है, वही एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी आपका PhD डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री 55% मार्क्स का होना चाहिए, और आप मिनिमम 8 ईयर्स का आपका टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी सेम ही है। अब हम बात कर ले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका जो कंसर्ट सब्जेक्ट में PG डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। इसके अलावा आपका CSI UGC नेट होना चाहिए, या आपका स्लेट या सेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने अपना PhD रजिस्ट्रेशन 2009 से पहले किया है तो आपको नेट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपने जो अपना PhD डिग्री किसी अब्रॉड यूनिवर्सिटी से किया है तो उस यूनिवर्सिटी को टॉप 500 में होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन क्लियरली कर रखा है, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका MSc बायोटेक्नोलॉजी में ही होना चाहिए, या M.Tech इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विद नेट है अगर अगर आपके पास, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अलग अलग जो एलिजिबिलिटी यहाँ पे दे रखी है, तो आप उसके आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपना जो सब्जेक्ट है वो उसकी एलिजिबिलिटी ठीक से देख लें, उसके बाद ही जो है अपना फॉर्म को फिलअप करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसे लाइक भरना है, फिल करने के बाद उसको प्रिंट आउट लेना है, और आपको अपनी फोटोग्राफ अटैच करनी है जो आपने अपलोड की थी सेम फोटोग्राफ, और आपको सेंड कर देना द रजिस्ट्रार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि डिग्री एंड DMC विद कन्वर्जन फॉर्मूला ऑफ CGPA एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब जो है आपको सेंड कर देना है इस एड्रेस पे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने मेंशन कर रखा है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपके यहाँ डिस्कस के लिए है कि प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आपका EPI इंडेक्स बेस्ड जो है आपका परफॉर्मेंस रहेगा। इसके अलावा कैंडिडेट फॉर द पोस्ट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर मस्ट ऑल्सो फिल द स्कोर कार्ड परफॉर्मा, ठीक है। तो यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको एक स्कोर कार्ड परफॉर्मा मिलेगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको वो भी फिल करके जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है वो सेंड कर देना है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिए है। अब हम देख लेते हैं कुछ और फॉर्म देख लेते हैं, तो ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी चीज़ें वो आपको जो है क्लियरली वो बता दी है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।